हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा मैथ्स का सीरीज चल रहा था, है ना, जिसपे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 8 तारीख का पेपर जो 2017 में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था हमारा, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा, है ना। अगर अभी तक जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि आज आपकी 11 तारीख हो गई है, सिर्फ आपके पास 5 दिन और बचे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपका सर्वर डाउन चलने लगेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अभी फॉर्म को फिल कर दें, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। वैसे तो आप लोग इतने दिनों से पढ़ ही रहे थे, फॉर्म भरने में आप अपना टाइम ये सोच के कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सोच के अभी फॉर्म नहीं भर रहे हो, बाद में भरोगे तो फिर आपका फॉर्म हो सकता है फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत हो। इसलिए पहले फॉर्म को फिल कर दो, उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई को, दिमाग को, अपने माइंड को फ्री करके फिर अपनी पढ़ाई पर वापस से लग जाओ, ठीक है। तो अभी हमारी चल रही थी सीरीज़, 2017 के भी मैंने मैक्सिमम 2018 के 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था, 2017 का भी हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, है ना। अब 2016 का जो पैटर्न है वो बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। तो 2017 का, इसके बाद अब मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस पेपर को और सॉल्व कर लो, उसके बाद अब आपने यहाँ से देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ आपने चेक कर ली, है ना। अब आप टॉपिक वाइज जिस, जैसे आपका यदि बात करते हैं हम, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये टॉपिक मैंने पहले ही बताए थे, तो इनको आप टॉपिक वाइज क्या कर लो, कवर कर लो। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो आप ये मान के चलो इन्हीं पैटर्न में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। तो आपने यदि ये इस वीडियो को भी देखा, इन वीडियो को देखा, ये पूरी सीरीज को देखा है, तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा पता है कि कुछ नए क्वेश्चन ही आने हैं, तो नए क्वेश्चन आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टॉपिक है टॉपिक को आपको पूरा पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां से आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्या करो, हर एक टॉपिक के आप क्या करो, दो दो तीन तीन क्वेश्चन मतलब आप 20 से 25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको उसको सॉल्व करने हैं। टाइप की यदि हम बात करते हो तो किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। उसके बाद हम देखेंगे अब आगे, ये अब अपन जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल के सब्जेक्ट्स का अब अपन एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है आपको, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं सर्वे की, तो सर्वे की किस टॉपिक को आपको ज़्यादा आपको वेटेज है, तो उस टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि सभी लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस किया, सबने सिर्फ ये बता दिया सर्वे इतने मार्क्स का आता है, बिल्डिंग मटेरियल इतने मार्क्स का आता है। अपन क्या करेंगे, अपन सब्जेक्ट के अंदर भी हर एक टॉपिक को देखेंगे कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ना, फिर आप उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। तो अभी तो अपन क्या करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन देखेंगे एक एक करके, अपन हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे टेक्निकल के, और फिर उसका देखेंगे एनालिसिस कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ने लायक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, ना, तो यदि उन क्वेश्चन उन टॉपिक को आपने यदि छोड़ भी दिया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आपने वो टॉपिक छोड़ दिया जो ज़्यादा आता है, जैसे यदि हम बात करते हैं सर्वे की, सर्वे में चैन सर्वे आपका ज़्यादा आता है ना, मतलब आपका कंपास सर्वे हो गया, चैन सर्वे हो गया, ये तो मेजर टॉपिक हो गया। अब किसी ने सर्वे पढ़े लेकिन ये टॉपिक ही नहीं पढ़े, तो फिर बाद में सर्वे उससे नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही अपन सारे सब्जेक्ट में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं, सब हर एक सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सीरीज चलाई थी जिसपे हमने हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस किया था, वैसे ही हम टेक्निकल के हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे। नॉन टेक का मैंने पहले ही बता दिया, इतने दिन से मैं नॉन टेक का ही एनालिसिस करा रहा हूँ आपका, कि नॉन टेक में बेसिकली पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं आपको, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ देखो ध्यान से, खुद से बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, 3/5x + 2/x + 1/4 = 4/5। इसमें हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आपको निकालना। तो इसको ये आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये आपका, है ना। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3x + 10/5। इसको मैं यदि ऊपर ले जाऊँ तो ऊपर 4 बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा, 4x + 1 = 4/5। अब ये 4 है, ये 5 है, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3x + 10/(1) है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 1। यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करते हो कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 9। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, ठीक है, क्लियर है, है ना। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपसे ये क्वेश्चन बन ही जाता। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है आपका, x = 2/3
की पावर माइनस थ्री डिवाइड 9/4 की पावर माइनस वन, इस पे हमको x इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x इनवर्स कितना आएगा, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 की पावर, ये तो आपकी माइनस थ्री लगी ही हुई है, और इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 2 की पावर माइनस वन। तो जब ये माइनस वन है इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 2/3 की पावर माइनस थ्री इंटू, इसको यदि आप सॉल्व कर लोगे तो 2/3 की पावर माइनस टू, और पावर क्या हो जाती है आपस में जोड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर माइनस फाइव, है ना। ये हमारी एक्स की एक्स वैल्यू, इसको यदि मैं इसकी पावर ख़त्म करूँगा तो कितना हो जाएगा टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर फाइव, ठीक है। इसको मैंने पलटा दिया तो ये माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको पता करना है एक्स इनवर्स की वैल्यू, तो एक्स इनवर्स आ जाएगा आपका 3/2 की पावर माइनस वन, माइनस माइनस का माइनस वन का यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर ही माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन कर दो कितना आ जाएगा माइनस फाइव। तो एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 की पावर माइनस फाइव, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर थ्री की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो थ्री है आपका, इसमें हमको 8x³ माइनस 1/8x³ कैलकुलेट करना है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ पर ट्रिक, मान लो आपको ट्रिक याद नहीं है आपको, है ना, उस कंडीशन में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला यदि आपको याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ एक मिनट का है और कुछ नहीं है इस पर, है ना। तो ट्रिक से यदि आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आपको पता है कि जब यहाँ पर माइनस होता है वहाँ पर माइनस होता है, आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, जो भी इस पर क्यू करोगे उस पर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 3/5 कर दोगे, है ना। मतलब जो ये वैल्यू लिखी होगी इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करके आपके उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो आपका ये आंसर सीधा सीधा से हो जाएगा 5³ + 3a, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 5, तो कितना जाएगा 125 + 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 140। तो हमको ऐसे ही मान लो आपको नहीं बनता इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे इस पर फॉर्मूला लगा दोगे, किस तरीके से 2x - 1/2x, इस पर हमने क्यूब कर दिया और यहाँ पर भी ये 5³ हो जाएगा। हमको वैल्यू निकालनी है 8x³ - 1/8x³, है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास, अब यहाँ पर a - b³ का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कुछ नहीं होता, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, a³ - b³ - 3ab a - b, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला यदि मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 8x³ - 1/8x³ - 3 × 2x × 1/2x, और यहाँ पे आ जाएगा a - b, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x - 1/2x। अब यहाँ पर देखो 8, अच्छा इसके इक्वल में क्या चल रहा था हमारा 5³ मतलब 125, 8x³ - 1/8x³ ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x - 1/2x इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5 के, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो कितना जाएगा ये 3 × 5, तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊँ तो 125 + 15, 8x³ - 1/8x³, हमको इसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन है बोला, तो ये वैल्यू आ जाएगी 140 आ जाएगी 8x³/1/8x³ की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, तो यदि आपको ट्रिक नहीं पता है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले बेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले की ट्रिक बन जाती है, आप उसी ट्रिक को यूज़ कर लेते हो, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में हमको क्या करना है, जो संख्या लिखी है इसको सरल करके व्यक्त करना, मतलब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा हुआ है 4/5 × 25/3, मल्टीप्लीकेशन है, इसको हमने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, -12/5 - 1/2 × 1/3, है ना। हमको इसको सॉल्व करना, तो कुछ नहीं है, इसको इससे काट दो, इससे इसको काट दो, है ना, ये तो आपके पास ये कितना बन जाएगा 20/3, ये आ जाएगा माइनस में 27/5, ये कितना जाएगा -1/6, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 20 ×
10, मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 200 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 27 इंटू 6, और ये कितना हो जाएगा 5, हाँ ये हो जाएगा 5, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 200 माइनस, इस पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 162, और ये हो जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाय 30, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा आपका 67 और ये आपका बचेगा 33 डिवाइड बाय 30, तो इसको काट दोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 11/10, है ना, 11/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/10, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया आपको, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये, एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यूलर सूत्र का उपयोग करके। अब यदि आपको यूलर सूत्र पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बेसिकली ये 9th स्टैंडर्ड में होता है आपका, है ना, CBSE से यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये 9th स्टैंडर्ड में मिलेगा ये फॉर्मूला आपको। तो यूलर के सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो कि शीर्ष यदि आपका 12 है और इसके किनारे जो हैं, है ना, एजिस जो है, एजिस की वैल्यू मतलब शीर्ष मतलब वर्टाइसिस जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वर्टाइसिस जो गिवन है वो कितने गिवन है आपको, आपके गिवन है 12, उसके बाद जो एजिस गिवन है एजिस कितनी गिवन है आपकी 30, उसके बाद इस पर पूछा है कितने फलक होंगे, तो आपको पूछा है फेसेस कितने होंगे, है ना, तो फेस आपके कितने हैं ये आपको कैलकुलेट करना। तो आपको यूलर्स का फॉर्मूला पता होगा, आपने बहुत सारी जगह पर सिविल इंजीनियरिंग में भी RCC पढ़ते हो आप, तो वहाँ पर यूलर्स का फॉर्मूला यूज़ होता है ना। तो यूलर्स ने इंजीनियरिंग में भी योगदान दिया है, इसने यूलर्स ने इस यहाँ पर भी जो आपकी मैथमेटिक्स है जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे यदि आप क्यूब देखोगे तो क्यूब में यदि आपको कैलकुलेट करना है ना, सॉलिड पिरामिड है उस पर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप उसमें फेजेस या एजेस या वर्टाइसिस निकाल सकते हैं, उसके लिए इसने फार्मूला बताया हुआ है ना। तो फार्मूला क्या है आपका, तो फार्मूला आपका होता है वर्टाइसिस प्लस फेसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास, है ना। तो वर्टाइसिस कितनी हमारे पास 12, फेसेस कितनी हमारे पास नहीं पता, मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, एजेस कितनी हमारे पास 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये साइड जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस 12 तो ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, है ना। तो आपको बेसिकली इसका यूलर्स का ये फार्मूला, ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन यदि आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये थोड़ी सा अलग क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको ये फार्मूला पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ी सा। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक लड़के ने प्रथम परीक्षण और द्वितीय परीक्षण में क्रमशः 125 और 140 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक परीक्षण में अधिकतम अंक 100, मतलब जो पेपर हो रहा है वो आपका 150 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें से दो पेपर थे जिसमें से एक बार उसको 140 नंबर मिले हैं और एक बार उसको 125 नंबर मिले, फर्स्ट बार उसको 125 मिले फिर उसको 140 नंबर मिले, तो आपको ये बताना है कि कितने की उसने वृद्धि की है। तो सीधे से यदि हम बात करें, मैक्सिमम कितना है आपका 150 मार्क्स, तो पहले वाले परीक्षण में उसको 125 नंबर मिले, परसेंटेज निकालना, 150 में से 125 नंबर मिले, दूसरी बार उसको 140 नंबर मिले 150 में से, है ना। तो यदि हम देखें कितने की वृद्धि हुई है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कितने की वृद्धि हुई है, 140 डिवाइड बाय 150 माइनस 125 डिवाइड बाय 150, है ना। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना जाएगा 150, और कितने की वृद्धि हुई है 15 की, परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है तो कितना जाएगा ये हमारे पास, यह जाएगा हमारे पास 10%, तो 10% की उसकी दूसरे बार में वृद्धि हुई है, पहले 125 थे, 10% की वृद्धि हुई तो उसके नंबर कितने आ गए हैं 140, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बीज गणितीय व्यंजक की घात ज्ञात कर रहा है, मतलब हमको बेसिकली इस पर डिग्री बोला है, हमारे पास लिखा हुआ है 8x³ y^6 5x^5 इंटू y² - 5x³ y², अभी हमारा क्या है, ये एलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है हमको, है ना,
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो जब भी एलजेब्रिक इक्वेशन दी होती तो ये पूरा हमारा एक पद हो गया है ना। जैसे आपने बहुपद पढ़े होंगे तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना। इस पर हमको बताना है कि कितनी डिग्री होगी या कितनी घात होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे से याद रखना। लोग क्या करते हैं, जैसे एक्स है तो एक्स की बस देखेंगे कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, या वाई की बस देखेंगे तो बोल देंगे वाई की पावर मैक्सिमम 6 दिख रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी आपको 6 मिलेगा, लेकिन इसका आंसर 6 नहीं है। यहाँ पे हमको कंप्लीट एक पद की हमको क्या निकालनी है, एक पूरा जो हमारा एक पद है उसकी हमको क्या निकालनी है, मैक्सिमम पावर निकालनी है। जैसे ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, तो इस पे हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर, इस पे मैक्सिमम 9 दिख रही है, इस पे यदि हम देखेंगे तो कितनी पावर दिख रही है हमारे पास, 7 पावर दिख रही है, और इस पे पावर देखेंगे तो 5 है। तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमारी डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी, डिग्री आएगी हमारे पास 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन 625x^(-256)² का एक गुणनखंड है। हमको गुणनखंड निकालना है इसका, किसका, क्वेश्चन नंबर एट है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं, इसका क्या है आपके पास, 625x^(-256)² ठीक है। इसका हमको एक गुणनखंड निकालना है, तो हमको पता है इसको हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, 625। इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इसको और शॉर्ट में कर दें तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 बचेगी ना, 25x^2 लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है ना, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। मैं एक स्टेप यहाँ का आपका उड़ा दिया हूँ, मतलब यह है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हम इसको 25 25, हम 625 लिख सकते हैं, और एक्स ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 आ जाएगी, एक्स को हम कहते हैं एक्स पावर 6 आ गया, इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है a²-b² = क्या होता है, a + b, a - b, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर है ही, यहाँ पर ये आ जाएगा 25x² - 16 और 25x² + 16, ये बन गया आपका है ना 16। अच्छा अब यहाँ पर हम फिर से लगा सकते हैं इस वाले पार्ट को, यदि हम देखें तो 25x² - इसको मैं लिख सकता हूँ 5x², है ना, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको पूरे का स्क्वायर कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 4, और ये हो जाएगा 5x + 4। तो आपके पास कौन कौन से गुणनखंड होगा, एक ये हो गया है ना, उसके बाद एक ये हो गया है ना, तो ये आपके क्या है, गुणनखंड है। अब इसमें से आप ऑप्शन में चेक करो क्या क्या हो जाएंगे, एक ये हो गया, इसको तो हमने आगे सॉल्व कर लिया, तो इसकी ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई है ना। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या गिवन है, 25x + 16 गिवन है क्या, नहीं, 25x² लिखा है यहाँ पर, नहीं तो ये आंसर हो जाता, तो ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा, 5x - 4, तो 5x - 4 ये वाला भी नहीं है। अब 5x + 4, तो 5x + 4 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक आपके पास क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर नाइन समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है, ये आपस में क्या है आपकी, बराबर हैं, ठीक है। इसके विकर्ण कितने दिए हुए हैं, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखी थी, हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, एक तो इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होंगी है ना, उसके बाद एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये भी चीज़ हमने देखी थी। इसके अलावा यदि इसके एरिया निकालने की यदि बात आती है, तो इसका देखो ये और ये आपस में बराबर है, मतलब पैरीमीटर यदि निकालोगे, सपोज ये ए है तो ये इसका जो पैरीमीटर आएगा वो क्या जाएगा, 4a आ जाएगा, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया यदि आपको कैलकुलेट करना, तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 × d1 × d2। यहाँ पर d1 और d2 क्या है, इसके डायगोनल हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसके जो विकर्ण दिए हुए हैं, मतलब इसके जो डायगोनल गिवन है, डायगोनल कितने कितने गिवन है इसके, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये आपस में एक दूसरे, दूसरी चीज़ यदि हम देखते हैं, तो इसके जो डायगोनल हैं ये आपस में कितने डिग्री से कनेक्ट होते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है।
मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये एंगल भी इसका क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। D1 और D2 इक्वल नहीं होते हैं, ये याद रखना। अच्छा, ये कितना दिया हुआ आपका, ये टोटल एक डायगोनल आपका 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं दूसरा डायगोनल टोटल 10 सेंटीमीटर का है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। और हमसे बोला है कि इसका पेरीमीटर कितना आएगा, समचतुर्भुज रोम्बस का पेरीमीटर कितना होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, जैसे मैं यदि इसका एक पार्ट लेना चाहूँ ये वाला, तो ये आपका ये 90 डिग्री बन रहा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना, ये आपका 12 का है, ये आपका 5 का है, तो आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे, ये 5 है, ये 12 है, तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। नहीं याद है तो भी आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144, तो इसको सम करोगे तो 169, और 169 का क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट करोगे तो आपका 13 आ जाएगा, है ना। तो ये आप निकाल भी सकते हो, वैसे तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो एक पोर्शन इसका यदि हम बात करते हैं, ये 13 का आ गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 13 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो पेरीमीटर निकल के आएगा, क्या आएगा पेरीमीटर निकल के जो आएगा, वो निकल कर आ जाएगा 4 × 13, तो ये कितना जाएगा आपका 52 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको, यदि एक वृत्त के केंद्र एवं एक बिंदु के निर्देशांक क्रमशः, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक ये सर्कल गिवन है, और इस सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट है, इसके जो निर्देशांक गिवन है हमको, कितने गिवन है, 3 − 4, इसको आप चाहो तो बना सकते हो कोऑर्डिनेट में, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। एवं ए, इस पे एक पॉइंट है, इस पूरे सर्कल में एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है −2 और 1, तो आपको निकालना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब यदि मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को यहाँ ले लूँ, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसके जो निर्देशांक हमको गिवन है कितने गिवन है −2 और 1, तो हमको बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब इनके बीच की यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने कई बार पढ़ा है अभी तक, और आपने देखा होगा हर सेट में एक क्वेश्चन इससे देखने को मिला है, इस फॉर्मूले से क्या होता है, y1 − y2² + x1 − x2² ठीक है। यदि 3 डायमेंशन की बात हो रही तो +z1 − z2² भी आता है, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ 2D में ही बात की हुई है, तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। y1 − y2 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है आपके पास, −4 − 1² प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x1 की वैल्यू है 3 − −2² तो ये कितना जाएगा आपके पास, यह जाएगा 5² 25, यह जाएगा 5² 25, तो यह जाएगा √50। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन में √50 के नहीं दिया हो, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो कितना जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा √2, तो आपका आंसर हो जाएगा 5√2, तो 5√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है, एक यहाँ पर फिर से बात हुई है किसकी, रोम्बस की, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ समचतुर्भुज का, ये दिया हुआ है a = 21 cm², तो इसका एक विकर्ण मतलब डायमीटर डायगोनल दिया हुआ है 6 cm का, तो आपको अन्य डायगोनल के बारे में बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना, एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 d1 × d2, तो हमसे d2 के बारे में पूछ रहा है, एरिया हमको 21 दे दिया है, 1/2, d1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 d2, है ना, तो कितना हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 7, तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7 cm, तो 7 cm आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपका, ए की वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन तो पहले भी आया हुआ किसी सेट में, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू को ए की पावर बी कर दो, तो 4 की पावर 3 कर दो प्लस बी की पावर ये कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 64, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 81, ये आ जाएगा आपके पास 81, तो इसको आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 145, तो 145 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपसे मैथ्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, या इतने पेपर सॉल्व कराने के बाद इतना समझ में आया कि यदि इस तरीके का 2020 का पेपर छोड़ दो, और बाकी उसके बाद के जो सारे के सारे पेपर हैं वो आपसे आसानी से बनेंगे यदि आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो त्रिभुज दिया है आपके पास, अच्छा यहाँ पर ट्रेंगल की एक नई प्रॉपर्टी आई है, अभी तक ट्रेंगल से क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, यहाँ पर एक नया ट्रेंगल आया, मतलब ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है,
ट्रायंगल क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये बोल रहा है इसकी क्रमिक भुजाएं बी सी तथा सी ए क्रमशः, कौन कौन सी, बी सी, बी सी आपका बी सी और सी ए, ये क्या बना रही हैं, बहिष्कोण बना रही हैं, बी सी, बी सी आपका ये बहिष्कोण बना रही है ये वाला, ठीक है, और कौन सी है सी ए, सी ए भी आपका बहिष्कोण बना रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बहिष्कोण बना रही है कुछ इस तरीके से, ये आपका 180 डिग्री में होता है ना, तो ये वाला एंगल ये कुछ इस तरीके से बहिष्कोण बना रही हैं, ठीक है, कौन कौन से एंगल ए सी डी, ए सी इसको मैंने नाम दे दिया डी, और ये क्या हो जाएगा बी ए ई, तो बी ए ई, बी ए ई ये हो गया आपके पास, ठीक है, निर्माण करती हैं, यदि एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी आपका कितना है 105 डिग्री है, उस कंडीशन में दूसरा आपको बोला है एंगल ए बी सी, ए बी सी ये कितना गिवन है आपको 58 डिग्री आपको ये गिवन है, देन बताना है आपको कि बी ए ई है ना, बी ए ई ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल आपका कितना होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, यदि ये आपका क्या है ये बहिष्कोण है तो इसके सामने के दो एंगल, मतलब देखो ये आपका बहिष्कोण है ये तो आपका 180, तो यहाँ से आपको ये वाला एंगल तो पता चल जाएगा, लेकिन इसके सामने वाले कोण, एक ये कोण हो गया और एक कोण ये हो गया, इसका सम जब इन दोनों को आप जोड़ते हो तो आपको ये एंगल मिलता है, जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको ये एंगल मिलता है, जैसे यदि मैं बात करूं, जैसे मैं यदि बात करता हूँ यहाँ से, जैसे ये एंगल है तो ये वाला एंगल तो आपको पता चल जाएगा आसानी से, तो इसका ये वाला एंगल इसको और इसको जब आप जोड़ते हो तो आपको ये एंगल मिलता है, इन दोनों एंगल को जब आप जोड़ोगे तो आपको ये एंगल मिलता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप यहाँ से देखो यदि 105 ये है तो ये टोटल, ये सीधी लाइन है तो ये कितना हो जाएगा 180, तो 180 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, अब जब आप इन दोनों को जोड़ते हो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जोड़ते हो तो आपको ये वाला एंगल मिलता है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 75 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इसको आप प्लस कर दोगे तो आपको इस एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो कितना जाएगा ये 133 डिग्री, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी 133 डिग्री, तो यही आपको पूछा हुआ था, ऑप्शन में है क्या, हाँ 133 डिग्री ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास, लगातार 5 वर्षों के दौरान एक विद्यालय का नामांकन निम्नानुसार था, मतलब एक नामांकन जो हुए 5 वर्षों के लगातार जब उनको लिया गया तो पहले वर्ष का आपका कितना आया 1490, दूसरे वर्ष का 1840, तीसरे वर्ष का 2100, चौथे वर्ष का आपका 3600 और पांचवें वर्ष का आपका 2520, ठीक है, इस अवधि के लिए विद्यालय के नामांकन का माध्य, मतलब हमको मीन निकालना है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इन सबको जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमको क्या करना है, 1, 2, 3, 5 सालों का, तो 5 से डिवाइड कर देना, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, चलो जोड़ने में क्या आएगी वैल्यू, देखो इसको 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 हमने जोड़ा तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0, इसको जोड़ो 4, 13, 13 ये हो जाएगा आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इन सबको यदि आप जोड़ते हो 149, 9, 4, 13, 14, 15 आ जाएगा 5, ठीक है, 1, 4, 8, 9, 5 ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है, और यदि इसको और आगे जोड़ते हो तो ये जाएगा 11, ठीक है, 11, 550, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 5, 2, 10 आगे हो जाएगा 15 जाएगा 1 और यह जाएगा 0, तो यह जाएगा 2, 3, 1, 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन है ना, तो इस तरीके से हमने क्या किया पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, पूरे 14 क्वेश्चंस थे, मैंने जल्दी से जल्द कराने की कोशिश की है ना, और यदि आप खुद से करते हो तो ये क्वेश्चन आपके 20 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं तो और बोल रहा हूँ कि आप 14 से 15 मिनट में आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कर जाओगे, बस आपको क्वेश्चन का बेसिक थ्योरम वगैरह पता होने चाहिए, जैसे ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आ रहा है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होने चाहिए, है ना, मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। अब मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप अब आपने ये सीरीज़ देख ली है, अब आप क्या करो, अब प्रीवियस ईयर के 2016 वाले पेपर मत लगाओ आप, है ना, उसकी नीड नहीं है, अब आप टॉपिक वाइज जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, उन टॉपिक को सॉल्व कर लो अब आप, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रक्षाबंधन मनाओ, है ना, और मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है, अभी देखो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो आप
यहाँ पर वीक पड़ जाओगे, आप त्यौहार मनाने लग जाओगे और फिर आप अपनी पढ़ाई नहीं करोगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मन लगा के जितना आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम आपको इस टाइम पे 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत पास में है। और अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर आपके पास लास्ट में 20 दिन बचेंगे और फिर लास्ट के 20 दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप डेली पढ़ाई करते जाओ और साथ में आप अपने त्यौहार भी जो हैं अपने फेस्टिवल्स को आप मनाते जाओ, है ना। और बस मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।